हेलो बच्चों, वन क्लास के सारे बच्चों, आर यू रेडी? आज हम लोग कंप्यूटर की स्टडी करने वाले हैं। किसके स्टडी करने वाले हैं? कंप्यूटर की स्टडी करने वाले हैं। पिछले दिनों आपको पढ़ाई गई थी, कौन सी पढ़ाई? चैप्टर फर्स्ट की, वो आप देख लेना आपको क्या पढ़ाया गया है। आज हम लोग यूजेस ऑफ कंप्यूटर क्या पढ़ने वाले हैं? यूजेस ऑफ कंप्यूटर, इसका मतलब होता है कंप्यूटर के उपयोग, यानी क्या क्या उपयोग हैं, कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, हेलो चिल्ड्रन, हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न हाउ कंप्यूटर इज अ यूजफुल मशीन। हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर एक यूजफुल मशीन कैसे है, कंप्यूटर एक यूजफुल मशीन कैसे है। ओके, तो देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर देखो, चिल्ड्रन यू हैव सीन अ कंप्यूटर, यू हैव सीन अ कंप्यूटर, बच्चों आपने कभी कंप्यूटर देखा है, आपने कभी कंप्यूटर देखा है, देखा है? चलो कोई बात नहीं, वैसे कहता है कि वेल दिस इज अ कंप्यूटर, वैसे यह एक कंप्यूटर है, इसका मतलब क्या हुआ? वेल दिस इज अ कंप्यूटर, वैसे ही ये सारे जो देख रहे हैं ये कंप्यूटर, ये कह सकते हो आप एसेसरीज, ये सीपीयू है, ये डेस्कटॉप है, कीबोर्ड है, स्पीकर्स हैं, माउस हैं, है ना, ये सारे हैं, तो ये कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं आप कह सकते हो, है ना, क्या ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या है, कहता है इसको देखें जरा, ये ले लें हम लोग, यू हैव सीन इट एट मैनी प्लेसेस लाइक एट योर होम और एट योर स्कूल। कहता है कि आपने इसे कई जगहों पर लाइक आपके घरों में या फिर आपके स्कूलों में देखा होगा आपने, है ना। यू नो कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन, आप जानते हो कि कंप्यूटर एक बहुत ही उपयोगी मशीन है, ठीक है, बट व्हाट यू कैन Do on a computer or what is the uses of computer? फिर से देखो, but what you can do on a computer? लेकिन आप computer पे क्या कर सकते हो, और यानी computer से क्या कर सकते हो, और यानी या what is the uses of computer? या ये कह सकते हो computer की uses क्या है? Okay? We use a computer to do different kind of works. हम लोग कंप्यूटर का यूज़ अलग अलग कामों में करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वर्क करने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है बाबू, तो नेक्स्ट है, नाउ आई विल टेल यू सम एग्जांपल्स वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड। Now I will tell you some examples where computer are used. अब मैं आपको लोगों को बताने वाला हूँ, कुछ examples देने वाला हूँ कि computer कहाँ use किए जाते हैं। ओके, ऐसे आपको पता होगा, आप लोग तेज बच्चे हो, है ना, सारे बच्चे तेज हो, सच कह रहा हूँ ना मैं। आगे देखते हैं, at home, आपके घरों में होता है ये, टू सॉल्व मैथ सम्स, आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हो, आपको समझ में नहीं आया, अरे कैलकुलेटर का यूज करते हो ना आप, कैलकुलेटर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये भी तो कंप्यूटर में मौजूद होता है। देखो आपके क्लास के बच्चे कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है, टू प्ले गेम्स, गेम्स खेलने के लिए करते हैं, To listen songs and poems, हम लोग गाने और कविताएँ सुनने के लिए भी इसका यूज करते हैं, किसका,
कंप्यूटर के करते हैं, देखना कुछ और मत बोल देना। टू वॉच कार्टून्स, कार्टून मूवीज खूब देखते हो आप लोग, कार्टून मूवीज मोबाइल में भी तो देखते हो, मोबाइल इज ऑल्सो अ कंप्यूटर पार्ट, वो भी कंप्यूटर का ही हिस्सा है भाई बाबू, समझे। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं स्कूल में कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग इन स्कूल, है ना, इसका मतलब हुआ स्कूल में। टीचर्स टीचेस यू ऑन अ कंप्यूटर, टीचर तुम लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं कंप्यूटर्स पर, बहुत सारी चीज़ें स्कूल में दी जाती है कंप्यूटर्स के द्वारा, ठीक है। मैं तो पढ़ाता हूँ, विक्की सर पढ़ाते हैं आपको, है ना। तो नेक्स्ट है, यू कैन लर्न टू राइट सॉल्व सम्स मैथ ड्राइंग ईटीसी, आप इस पर राइट कर सकते हो, सॉल्व करते हो सम्स यानी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हो, मैथ ड्राइंग ईटीसी इस पर बहुत सारी ड्राइंग भी करते हो आप, पेंटिंग में काम किए हो आप सारे बच्चों ने, बोलो हाँ किए हो कि नहीं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टीचर क्रिएट्स योर रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड्स ऑन इट, रिपोर्ट कार्ड आपके बनाए जाते हैं, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, बहुत सारे बिल्स वगैरह आपको मिलते हैं ना, फी वगैरह के सारे काम होते हैं इसमें। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, टीचर्स और यानी कि आप लोगों का और हमारा भी रिकॉर्ड्स रखा जाता है स्कूल में कंप्यूटर में नोट करके, है ना, आप कहाँ से आते हो, कौन ऑटो से आता है नहीं आता है, सब कुछ नोट रहता है कंप्यूटर में, है ना। स्कूल में ये सारे वर्क किए जाते हैं, बात समझ में आ रही है बच्चों, तो बोलो हाँ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, देखो आपके लिए क्वेश्चन आ गया, तैयार हो जाओ सारे बच्चे। विच गेम डू यू प्ले ऑन अ कंप्यूटर, कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो, पबजी मार मार के हड्डी तोड़ देंगे। यहाँ पर देखो कार्टून्स खेलते हो तुम लोग, क्या क्या करते हो तुम ही लोग बताओगे, है ना, बेहतर जानते हो। विच गेम डू यू प्ले ऑन अ कंप्यूटर, कौन सा गेम खेलते हो आप कंप्यूटर पर, ओके। नेक्स्ट है एट बैंक, बैंक में भी यूज होता है बाबू। बैंक कीप्स योर मनी सेफ, बैंक आपकी पैसों की रखवाली करता है सेफली। बैंक्स गिव्स यू मनी फ्रॉम एटीएम, एटीएम में भी कंप्यूटर लगा होता है, एटीएम मशीन जो होता है जिससे पैसे निकलता है ना, उसमें भी कंप्यूटर फिट रहता है अंदर में, आप कहोगे आपने देखा नहीं कभी, एटीएम मशीन के अंदर होता है, ठीक है, आपने नहीं देखा, देख लोगे आप जब बड़े होगे। फिर क्या है, फिर है बैंक्स, बैंक्स स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स होल्डर्स ऑन कंप्यूटर, आपका अकाउंट जो बैंक में होता है, आप अकाउंट, हम लोग अकाउंट होल्डर्स हुए, खाताधारी जिसको कहते हैं, कस्टमर हुए, उसके पास कंप्यूटर में रिकॉर्ड होते हैं हमारे इंफॉर्मेशन, हम कहाँ के हैं, हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं, हमारा नाम क्या है, है ना, किस टाइप का अकाउंट है, अकाउंट के टाइप्स भी होते हैं, आप बड़े होने के बाद आप सीखोगे। बैंक्स मेंटेन द डिटेल्स ऑफ योर मनी ऑन कंप्यूटर, बैंक मेंटेन करता है क्या किसका डिटेल्स, आप पैसे कितना आपने विड्रॉ किया मतलब निकाला, आपने जो ट्रांजेक्शन किया डिपॉजिट करते हो, सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होता है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर मेंटेन करता है, कैच करता है। तो देख रहे हो आप कितना इम्पोर्टेंट है ये, है ना, और कंप्यूटर गलती नहीं करता है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर से करवाते हैं, ओके। तो आगे देखते हैं, आगे है एट रेलवे स्टेशन, क्या है एट, आप देखो यहाँ पे एट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे कैसे यूज होता है भाई, रेलवेज यूज कंप्यूटर टू बुक टिकट्स, रेलवेज एम्प्लॉयज होते हैं वो कंप्यूटर का यूज टिकट बुक करने में करते हैं, कभी देखा आपने, जाओगे आप अपने चाचा मामा के साथ तो देखोगे। दे ऑल्सो यूज देम टू इंफॉर्म अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन्स,
ये कंप्यूटर की मदद से हमें बताते हैं कि किसी ट्रेन का अराइवल टाइम क्या है, पहुंचने कौन सी गाड़ी कब आने वाली है और डिपार्चर कब खुलने वाली है कौन सी गाड़ी। ये कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को देख करके रेलवे स्टेशंस हमें जानकारी देती है और अनाउंसमेंट होता है। ओके, तो ये बात थी रेलवे स्टेशन की। एट ऑफिस, ऑफिस में किस लिए होता है? टू कीप अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब साफ होता है कि अकाउंट्स मतलब जो कस्टमर्स होते हैं उसके अकाउंट्स का डिटेल्स या बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या काम हुआ ऑफिस में। ऑफिस डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, है ना। यहाँ पर ऑफिस दिख रहा है आपको। टू टाइप लेटर्स, लेटर्स को लिखने के लिए ऑफिस में बहुत सारे कारोबार होते हैं। किसी को चिट्ठी लिखनी है, कंप्यूटर से लिखा जाता है। टू यूज़ इंटरनेट, इंटरनेट यूज करके किसी चीज़ के बारे में पता करने के लिए आप कुछ प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो, कुछ बना रहे हो। अब ऑफिस तरह तरह के होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ है क्या। हाँ, अब आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। क्या है? कलर द पिक्चर्स गिवन बिलो। ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं आपको, इसको क्या करना है? ये करना है, मतलब तो तेज हो, कलर करना है। क्या करना है? कलर करना है। तो लेट्स स्टार्ट, अब कलर करो इसको तब तक। ओके, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको भी आप पढ़ो। उसके बाद सारे बच्चे टिक द करेक्ट ऑप्शंस, इसको बनाओगे, फिल इन द ब्लैंक्स बनाओगे और अपने टीचर को मैसेज करोगे, है ना। तो चलो सारे बच्चों, हमें इंतज़ार होगा आपके आंसर्स का। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, बार बार वीडियो लेक्चर को देखेंगे, वर्ड्स का प्रोनाउंसेस किस तरह से हुआ है, उसकी हिंदी किस तरह से करी है मैंने, आप नोट करोगे, है ना। आज का हमारा टॉपिक था क्या? यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अगले क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, एक ख़ास बात बच्चों, YouTube पर देखने के साथ साथ आप इसको सब्सक्राइब कर लें, इट इज़ बेटर। ओके, तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक नए चैप्टर के साथ। बाय।